संसद में तो कल ही खत्म हो गया था, आउटलुक बोलने से पहले ही मैं तो सबमिट किया था कि स्पीकर महोदय जो रूलिंग देंगे, पहले लंच से पहले भी स्पीकर महोदय एक रूलिंग दिए थे लेकिन सरकार पक्ष और मंत्री नहीं मान रहे थे, बाद में 4 बजे अब रूलिंग दिए वो, तो फिर मामला वहीं कसर गया। अब मीडिया उसको उछाल रहे चूंकि कंपटीशन है एक मैगजीन के साथ दूसरे मैगजीन का, सबका बाजार का मामला है, लेकिन मैं तो ये कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगाया, मैं कोई लांछन नहीं लगाया, बल्कि मोदी जी के बजाय अगर राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री होते तो मैं ज्यादा खुश होता, वो बीजेपी की बात है, लेकिन उसके साथ साथ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। जो ये कहा जा रहा था कि हमने आरोप लगाया, मैं कहा कि आउटलुक मैगजीन को मैं कोट किया, और सरकार के तंत्र ये देखो, इतना खुफिया एजेंसी, अगर होम मिनिस्टर का ये हालत है कि सरकार सिर्फ अखबार में या टेलीविजन में उनका खबर छपेगा और बाकी क्या खबर छप रहा है उसको नहीं देखते, इसका मतलब तुम्हारे को तवज्जो नहीं देते मीडिया को। तो इतना एक क्रेडिबल मैगजीन है, इतने तंत्र है, पब्लिक PIB है, पब्लिकेशन देशी विदेशी कंपनी है, तो उनको मालूम होना चाहिए मोहम्मद सलीम को क्यों जरूरत पड़ा के बताने के लिए, नहीं तो यही अगर दबा रह जाता तो 20 साल बाद 25 साल बाद तो ये हिस्ट्री लिखते और शिष्य नहीं बोले तो क्या गुरु तो बोले। मैं तो व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह की बात नहीं कर रहा था, मैं संघ परिवार का जो ये घिनौना जो राजनीति है और जो दुष्प्रचार है और विकृत इतिहास है उसको मैं उजागर करना चाह रहा था, तो वो तो समय सफल हुआ। और बल्कि पहले अगर बीजेपी के अंदर कोई को हिम्मत होता सरकार को, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि फ्रिंज एलिमेंट जब करते हैं तो सरकार चुप्पी क्यों रहते हैं, तो सरकार को उसी वक्त करना चाहिए जब ये 1 साल पहले ये बोले कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए।